डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू इन द कोर्स ऑफ लीडरशिप इमोशनल इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग दिस इज मॉड्यूल नंबर वन फाइव जीरो एंड वी आर गु डिस्कस के हाउ कैन वी गिव डिफिकल्ट फीडबैक सो गिविंग डिफिकल्ट फीडबैक इज द कॉन्टेक्स जिसके ऊपर हम बात करेंगे और कन्वर्सेशन के दौरान बाजुकात हमारे लिए बहुत अहम होता है कि हम सही फीडबैक वो दे पाएं ड्यूरिंग मीटिंग्स एंड ड्यूरिंग इंटरैक्शन विद द पीपल द फीडबैक इज ऑलवेज डेवलपिंग बट इट डिपेंड्स कि हम उस फीडबैक को इजहार में ला रहे हैं या नहीं देरफॉर हमारी कन्वर्सेशन के दौरान फीडबैक की इंपॉर्टेंस वो बहुत ज्यादा है और किस तरीके से हम फीडबैक को इंकारट करेंगे पावरफुल एंड हाई इम्पैक्ट फीडबैक कन्वर्सेशन शेयर द फॉलोइंग एलिमेंट्स और कन्वर्सेशन के हवाले से एक और बहुत अहम चीज डिस्कस की जाती है कि मेनी वेयर टू स्टॉप सो गुफ्तु के कुछ आदाब गुफ्तु के कुछ ख्याल हैं जिनको मद्देनजर रखना हमारे लिए जरूरी है अब गुफ्तगु के दौरान जब आपको फीडबैक देना है द फर्स्ट थिंग इज के एन इंटेंशन टू हेल्प द एम्प्लॉय ग्रो आपका मकसद क्या है वहां पर बात के करने का रादर देन टू शो हिम दैट ही और शी इज रॉन्ग और राइट So, आपका कॉन्टेक्स्ट उस वक्त ये होना चाहिए कि जहां पर लोग अपने आप को डेवलपमेंटल में लेकर आ सकें than कि वो सिर्फ क्रिटिसिज्म फील करें थिंग इन टर्म्स ऑफ फीडबैक इज दैट फीडबैक शुड इंक्रीज नॉट ड्रेन द इंप्लॉइज मोटिवेशन एंड रिसोर्सिस फॉर चेंज सो उसमें इंकरेजमेंट उसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए जिसके जरिए एक एम्प्लॉई रेजिस्टेंस इनकॉर्पोरेट ना करे किसी चेंज प्रोसेस के अंदर रादर पर्सन 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 शुड 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 फील 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 एम्पावर्ड वो वहां पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सक रहा है इन अ बेटर वे सो फीडबैक आपका लोगों की एनर्जीज को वो ड्रेन नहीं करने वाला होना चाहिए अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जब आप रोजमर्रा की गुफ्तु में इन्वॉल्व हो रिमेंबर थर्ड इंपोर्टेंट एस्पेक्ट इज अचीव एंड ऑन व्हाट इम्पैक्ट यू वुड लाइक टू हैव ऑन द इम्प्लॉ अब ये दो बड़े अहम क्वेश्चंस हैं कि जिनको हमें मद्देनजर रखना है कि जब हम गुफ्तगु कर रहे हैं आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमारा मकसद क्या है हम कैसे उसके ऊपर असर अंदाज़ होना चाहते हैं और हमारे उस असर से वो इंप्लॉयी क्या तासर वो ले पाएगा तो ये तमाम तरह इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि डेवलपमेंट फीडबैक में हमें जरूरी तौर पर चाहिए नाउ रिमेंबर जब आप डेवलपमेंट फीडबैक की बात करते हो तो अ ट्रू डेवलपमेंटल लीडर सीज द रॉ मटीरियल फॉर ब्रिलियंस इन एवरी इंप्लॉय एंड क्रिएट द कंडीशन टू लेट इट शाइन इवन वेन द चैलेंज इज टफ तो एक अच्छा लीडर वो है जो लोगों की कंपिटेंसी को डिवेलप करने की पावर हो अब उसको डेवलप करने के लिए लोगों की को, उनकी को लाने के लिए, अब जरूरी है कि आपको ऑथर कहता है ओपननेस ऑन द पार्ट ऑफ द फीडबैक गिवर विच इज असेंशियल टू क्रिएटिंग

With other person. तो वो डिफेंसिव हो जाएगा और अपने डिफेंसिव होने की वजह से वो अपनी बात को आपके साथ खुद से नहीं करना लेकिन यह बात अंडरस्टैंड करनी है कि उनके अंदर एक सेल्फ डिफेंस ऑलरेडी वो हो सकता है विच इज ए नेोसेस एनदर थिंग इज दर्ड पॉइंट टू टॉक अबाउट द इम्प्लॉ इन टू

वो जरूरी हैं और अगले शख्स को भी ये ता देना कि वो फ्यूचरिस्टिक होकर सोचे कि आइंदा आने वाले दिनों में उसको किस कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो अप वो करना होगा इस डेवलपमेंटल फीडबैक में जो अहम चीज हमने समझी वो ये है कि देर शुड नॉट बी क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म आपकी तनकीद आपकी डिस्कशन वो डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए जिससे कि लोग अपने आप को मजीद बेहतर वो कर सकें डियर स्टूडेंट अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि आपका फीडबैक आइंदा आने वाले दिनों के लिए फीड फॉरवर्ड का, का काम भी वो कर सकता है देयरफॉर लोग कैसे डेवलप करें वो अपने अंदर बेहतरी किन किन पॉइंट्स में लेकर आए हमारा एजेंडा क्या था और हम मुस्तकबिल में क्या अचीव करना चाहते हैं इन तमाम चीजों में क्लैरिटी इन तमाम चीजों में वजाहत और इन तमाम चीजों के अंदर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ये सब चीजें हमें समझनी होंगी ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स एंड गोल्स वो अचीव कर सकें